बात ये है कि मध्य प्रदेश के लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ये हरित प्रदेश और हर्षित प्रदेश में बदल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गीली लकड़ियों में आग लगाने का प्रयास ये कर रहे हैं। अब देखते हैं कब इसमें सफलता मिलेगी इनको, क्योंकि इन दिनों तो इंदौर की हालत की जो बात करूँ तो इंदौर में जंगल 0% हो चुके हैं। पहले 3% थे, 2 साल पहले 0%। हमारा सारा जंगल जो है वो सड़कों के बीच में डिवाइडर का गया है, इसमें सब लगा हुआ है, जंगल जंगल खत्म हो चुका है। अभी भोपाल की एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसमें 44% जंगल वहाँ पे भी खत्म हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के जंगलों की हालत हमारे यहाँ बहुत हद खराब हो चुकी है। जो पूर्वज हमको देखे गए शायद हम हमें आने वाली पीढ़ियों को शायद देखे हमको भी नहीं दे पाएंगे, बहुत ही हालत खराब है। और परिणाम आपके सामने है कि हम भी समझ रहे हैं कि इस समय मौसम की हालत कैसी होती है, ये समय के साथ में और बिगड़ेगी। एक कल्पतरु संस्था के अभी आप बता भी रहे थे, कल्पतरु संस्था के साथ में हमने भी उस समय कुछ काम किया है, उसके खजाना और कई जगह पर वृक्षारोपण वो करती रही है। उसका एक बहुत बड़े अभियान में चलाते हैं हम लोग की जब जन्मदिन होता है किसी का तो शहर के 10 या 12 लोगों को बुलाकर वो एक वृक्षारोपण उनसे कराते हैं और फिर उसका ध्यान वो कल्पतरु संस्था ही रखती है। तो सदी आप यदि आप कभी खजराने में पहुँचेंगे तो खजराने के पीछे की तरफ करीब 80-100 झाड़ जो है वो 2 या 3 साल के होने आ गए हैं, कुछ 4 साल के हो गए हैं, वो झाड़ जो है कल्पतरु संस्था के माध्यम से ही लगाए गए हैं। सागर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आ रहा है, शहर भर में लोग कुछ लोग इनको बीजे भी देते हैं कि ये लोग बहुत ही कहाँ से आपको जो है अधिक से अधिक लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये हो रहा है कि इससे आम आदमी नहीं जुड़ पाता, इनके ही सरकार यही भी इस बार फोन लगाते हैं लोगों को, भैया आप आगे झाड़ तो लगाए जाओ, तब शायद उसमें एक आध आदमी अगर मैं देखता हूँ आता हूँ ये करके जो आदमी, तो जो अगर उसे हमें आग होना चाहिए इस बातों को लेकर उसका हमारा बहुत दुर्भाग्य कोई नहीं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से वो मिले और मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ झाड़ लगाई दिए हैं, तो निश्चित रूप से अगर 6 लाख भी लग जाए तो एक तो हरा हो जाएगा ये सही में, क्योंकि एक बड़ा प्रयास है, ये बहुत बड़ा प्रयास होगा हमारा कि मेरे को संभावना कम दिखती है कि 6 लाख झाड़ भी लग जाए, पर फिर भी अगर लग जाए तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग सब मिलेंगे आप भी प्रार्थना करें। पर इन सबके पहले मैं चाहूँगा कि कीर्ति भाई जो है हमारे जी कीर्ति राणा जी वो विष्णु जी का स्वागत करें। पंडित जी संजय जी से भी निवेदन है कि जब भी आए और लगा रहे तो फोन तो मिलने से उसके बाद में अपनी कुछ बात कहेंगे विष्णु जी, उसके बाद में हमारे लोगों का सवाल जवाब का शिक्षक का कार्यक्रम है। एक तो विष्णु जी को देख के लगते ही नहीं कि उन्होंने इतने पौधे लगा दिए होंगे और ऐसा अभियान चला दिया है, तो या तो आप पौधे की तरह धीरे धीरे उम्र बढ़ती है आप लोग, तो थोड़ा सा अपना पूरा परिचय है क्योंकि हम लोगों के लिए आप बिल्कुल नए हैं, इंदौर ट्रस्ट के लिए नए हैं, कल्पतरु संस्था का नाम जरूर सुना है लेकिन आप कब से पौधारोपण के क्षेत्र में आए, क्या पेड़ में क्या संकट आए और राजस्थान छोड़ के आप यहाँ के राजस्थान जो कि रेगिस्तान के रूप में ज़्यादा इलाके जाने जाते हैं, वहाँ हरियाली की ज़्यादा जरूरत मानी जाती है, वहाँ छोड़ के आप पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में भटक रहे हैं, तो पौधों को लेकर भी स्थिति क्लियर करें। और अभी जो शहरीकरण और स्मार्ट सिटी में सीमेंट की सड़कें बन रही, शहर से लेके गाँव के आखिरी छोर तक सीमेंटेड सड़कें बन रही, इसको आप अपने अभियान में कितना बाधक मानते हैं और पौधारोपण के क्षेत्र में कौन सा शहर कौन सा राज्य और कौन सा गांव सर्वाधिक आपकी नज़र में श्रेष्ठतम लगा ये भी? सबसे पहले तो आप सब राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए विश्व कल्याण की कामना लेकर जिस निष्पक्षता के साथ में निर्णयता के साथ में गंभीरता के साथ में जिस काम को कर रहे हैं, मुझे भरोसा है आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे होंगे। आप सभी के माध्यम से आपको और पूरे सभी देश और दुनिया के तमाम लोगों को
जिनका योग के प्रति विश्वास बहुत दृढ़ हुआ है, उन सबको विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं। ये मेरा परम सौभाग्य था कि बचपन में तीसरी क्लास में हिले भाई होलकर का पाठ आता था, राज हिले भाई होलकर की नगरी में आने का सौभाग्य मिला। उस नगर में सौभाग्य मिला जिस नगर को सुबह सुबह पड़ोस के डेयरी वाले गुप्ता जी हूँ, चाहे शाम को कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, इंदौर का नाम लेके बात शुरू होती है। महापौर को लोग गाली देंगे तो इंदौर का नाम लेके देंगे कि इंदौर वालों से कुछ तो सीखो, इंदौर वालों से कुछ तो सीखो। तो इस समय इंदौर जो है वो हमारे लिए प्रेरणा है, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। स्वच्छता को लेकर के इंदौर के लोगों ने ऐसा कौन सा क्या किया है ऐसा, मुझे लगता है शायद हर आदमी ने ये ठान लिया होगा तभी जाके हुआ होगा। माध्यम हो सकता है आपके कमिश्नर साहब बन गए हों या और कोई व्यक्ति रहा हो, और भी लोगों का योगदान रहा हो, लेकिन आप सब लोगों की मेहनत है ये। और आप सब लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, पूरे इंदौर को सलाम करना चाहता हूँ, स्पेशली स्वच्छता को लेकर जिन्होंने पूरे देश के लिए प्रेरणा का बनने का काम किया। मेरा विष्णु नाम है और लांबा गांव है एक टाउन जिले राजस्थान में, तो वहाँ से मैं आता हूँ छोटा मोटा ये बागवानी का काम करना। 7 साल की उम्र में पहला पौधा मैंने अपनी माँ के साथ लगाया था, और वो लगाने के बाद में फिर कुछ पौधों का चाव बढ़ा, फिर धीरे धीरे पौधे चुराने का भी शौक बढ़ा। उसके दौरान मुझे घटनाएं हुई, गांव में पौधा चोर कहलाए, घर वालों फिर वो अपनी सेटिंग करने लगा। तो मैंने कहा मैं उस दुनिया का आदमी नहीं हूँ, इधर आ जाओ, मैंने कहा साइड ले जाना कोई विशेष फायदा नहीं है। और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने जब थक गए वो, तो उन्होंने फ़ोन किया किसी सज्जन को और उन्होंने कहा कि भी वो लोग आ रहे हैं हमारे, हमें लगा वो तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे होंगे। और जब आए और जब डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो पता चला कि वो कुछ हथियार लेकर के लोग आ गए, और फिर मामला थोड़ा बढ़ गया। हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, खैर तो उस मामले में भी हम लोगों को लंबे संघर्ष के बातचीत मिली। अवैध खनन आज पूरे देश में आपको पता है कोर्ट ने बैन लगा दिया है, कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। ऐसे ही प्रेरणा मिली फिर पान सिंह तोमर, इरफान भाई, भगवान उनको बहुत जल्दी स्वस्थ करे, वो जल्दी हमारे बीच में आए। इरफान भाई को आप सब लोग जानते ही हो, तो हमारे टोंक शहर के हैं वो और बड़े एक्टर हो गए आज। तो इरफान भाई जब फिल्म बनाई उन्होंने पान सिंह तोमर तो टोंक गए थे, और उस समय पान सिंह तोमर का जिक्र आया, मैं तो फिल्म नहीं देख पाता, मैं तो मजदूरी करता हूँ इधर उधर देश भर में अलग अलग इलाकों में रहता रहता। तो वो फिल्म देखने के बाद पता चला कि एक फौज का सूबेदार दियड़ का बागी बन गया, बंदूक उठा ली। तो कहीं ना कहीं इतना समझ में आ गया कि आज का आज भी युवा के साथ में मार्गदर्शन का अभाव है और वो भटक रहा है मार्गदर्शन के अभाव में। तो कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई उस फिल्म से कि जिन चंबल के दस्युओं ने पुलिस और मुखबिरों से बचने के लिए उस दौर में जिन पेड़ पौधों की शरण ली, जिन पशु पक्षियों ने उनको पुलिस और इन मुखबिरों के आगमन की सूचना दी, आज सरेंडर के बाद में क्या वो जो खतरे में हैं, तो क्या उन दस्युओं की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन्होंने कल उनका साथ दिया आज उनका साथ दें। और इस बात को ख्याल बना करके और हम लोग लगभग 8-9 महीने चंबल के इन डेढ़ों में, चंबल से लेकर चित्रकूट तक, कोटा से लेकर के चित्रकूट जो गडरिया ठोक के गिरो आप सब लोग मीडिया के लोगों सब जानते हो, वहाँ तक का सारा रहा लगभग 8-9 महीने रहने के बाद में, और ये उन सब लोगों को तैयार किया। लगभग 38 पूर्व दस्यु मुखिया जयपुर पहुँचे, जयपुर पहुँच के उनका 20 मार्च 2016 को एक सम्मेलन करवाया गया और उसमें संकल्प लिया गया कि जिन बियड़ों में जो बियड़ हैं जिनमें वो लंबे समय तक रहे, वो चंबल के बियड़ आज खतरे में हैं, वो उनको बचाने हैं। तो उनका जो संकल्प रहा वो ये रहा कि अगर सरकार सहयोग करे तो अवैध खनन के नाम पर एक कंकर नहीं उठेगा, अगर सरकार सहयोग करे तो हरे पेड़ की कटाई के नाम पर एक पत्ता नहीं कटेगा, अगर सरकार सहयोग करे तो किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीवों का शिकार नहीं होगा। आज आप लोग देख लीजिए कि बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि जहाँ पर सरकार के नुमाइंदे जाने की ताकत नहीं जुटा पाते वहाँ पर पूर्व दस्युओं का आज भी वर्चस्व बरकरार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो दद्दा मलखान सिंह, जो रेणु यादव, सरला जाटव, सीमा परिहार, आपका मोहर सिंह, मुन्ना सिंह आपके, और सरू सिंह आपका, पान सिंह का, बलवंता सिंह आपके, जितने पूर्व दस्यु हैं वो सब मिलकर के कहने को तैयार है कि हम सब लोग राष्ट्र और समाज के हित में झुकना चाहते हैं, हम लोग राष्ट्र और समाज के हित में काम करना चाहते हैं। तो सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है उनका सदुपयोग करने,
देश के साथ में सबसे बड़ी एक नाइन शादी हुई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में जयप्रीत नारायण नहीं है, जयप्रकाश नारायण ने उस समय आप लोग पुराने लोगों को सबको ध्यान में होगा, जयप्रकाश नारायण ने उनको सरेंडर कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। विनोबा भावे का बहुत बड़ा योगदान रहा, आगे जाकर के और कुछ लोगों ने आगे प्रयास की, लेकिन इनके सरेंडर होने के बाद में इनकी जो ताकत थी उस ताकत का अंदाजा हमें था कि एक व्यक्ति कितना ताकतवर है, क्या उसकी ताकत देश और समाज के काम आ सकती है। अगर आ सकती है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने खैर हमें इसका मौका दिया, हम लोग निकल पड़े। 8-9 महीने रहे, लगभग 38 दशक पूर्व इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और लगभग 250-300 दशक परिवारों ने इस अभियान का समर्थन किया। इस अभियान की एक योजना 15-17 मांगे लेकर के हम लोग पूर्व हमारे स्वर्गीय दवे साहब मध्य प्रदेश के सर से निश्चित ताल्लुक रखते हैं, दवे साहब अनिल माधव दवे साहब की सेवा में मैं प्रस्तुत हुआ और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझ विषय को सुना और परमात्मा की पता नहीं क्या मर्जी थी कि उनका आशीर्वाद बहुत दिनों तक हमारे साथ नहीं रह सका और भगवान उनको खैर अपने चरणों में स्थान दे, बहुत ही पवित्र आत्मा रहे। तो उनके बाद में प्रकाश जावड़ेकर जी और जावड़ेकर जी के बाद में भी डॉक्टर अनिल हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। हमने जावड़ेकर साहब से बराबर प्रयास किया कि पूरा सहयोग मिले, लेकिन जिस सहयोग की उम्मीद थी वो सहयोग नहीं मिल पाया, उस सहयोग की अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं हो सकी। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से भी आग्रह किया है, भारत को विश्व जलवायु सम्मेलन के बाद वन क्षेत्र प्रतिशत बढ़ाने वाले देशों में उदाहरण के तौर पर देखा गया पूरी दुनिया के सामने। विश्व के 196 देश जो कोपेनहेगन में आए थे, मोरक्को में आए थे, वो कौन सा वहाँ की क्या कौन सी राजधानी, इटली की, ऑस्ट्रेलिया की, उधर अभी हुआ उसमें आए, ऐसे कई सारे जगहों पर अलग अलग हुआ, उसमें 196 देशों ने भाग लिया। और अभी दिल्ली में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 143 देशों ने भारत को मेजबानी का मौका दिया और जो UNDP के अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर हैं मिस्टर इरेक सोलिम, तो उन्होंने इस बात पर मेजबानी पर हस्ताक्षर करते हुए सहमति प्रकट की और खुशी जाहिर की कि प्लास्टिक के विरोध में, प्लास्टिक के खिलाफ हमारा ये अभियान होगा और हम सब लोग भारत से प्रेरणा लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। पूरा विश्व 363 लोगों की, मैं राजस्थान की महाराणा प्रताप की माटी से आता हूँ, हमारे यहाँ 363 लोगों के साथ में अमृता देवी विष्णु ने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन पेट नहीं कटने दिया। जिस देश ने नदियों को माँ कहा, जिस देश ने पर्वतों में पिता देखा, पत्थरों में परमात्मा देखा, ऐसा देश पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बनता रहा है, इतिहास से बनता आया, आज ही बन रहा है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि राजनीति का शिकार हो जाती है हमारी सरकारी योजनाएं, भारत के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बातें होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं। जो लोग, जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र समाज के उत्थान की बात करना चाहते हैं, पूरे मन से बात करना चाहते हैं, उन लोगों को अवसर नहीं मिल पाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ भी कहीं ना कहीं एक चिंतन का विषय है, मध्य प्रदेश को भी चिंता करने की आवश्यकता है। 6 करोड़ कहना आसान है, 6 करोड़ लगाना बहुत कठिन है। उसके लिए मध्य प्रदेश के युवाओं को जगाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के युवाओं तक पहुँच बनानी पड़ेगी, यहाँ के किसानों को जगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का किसान पूरे देश का पेट भरने की ताकत रखता है, तो क्या चंद वृक्षारोपण करके वो इतिहास नहीं रह सकता? यकीनन रह सकता है। नदियों का प्रदेश है, सब प्रकार की यहाँ पर अनुकूलताएं हैं, फिर भी क्यों ना ये हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आ पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग डिजिटल इंडिया की जो जिस दौर में चल रहे हैं उसमें हमने अभियानों को भी डिजिटल कर दिया। हम कंप्यूटर पर अभियान चला करके उस चीज़ का तीसरी ना कर लें और हम लोग धरातल पर आ जाएं, जमीन पर आ जाएं और सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, आज के कार्यक्रम में यहाँ की जो योजनाएं बनाने वाले आयोजक संयोजक और मेरे को बुलाने के माध्यम हमारे सचिन भैया यहाँ पर मौजूद हैं और सचिन सांगला जी ने अभी कुछ चर्चाएं करी कार्यक्रमों को लेकर, तो मैंने उनको भी यही सब विषय बताया कि मध्य प्रदेश में मैं सोच के चल रहा हूँ। आप माफ कीजिएगा सतगुरु जी, वासुदेव ने कहा कि नदियों के दोनों तरफ प्लांटेशन होना चाहिए, माफ कीजिएगा नेगेटिव टेंशन मत लीजिएगा, मेरा किसी को वो नहीं है, नदियों के दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर प्लांटेशन होना चाहिए, तब जाकर 1% क्षेत्र बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, फलदार पौधे लगाए जाएं, जाए किसानों की बात हो, 100% बात सही है। लेकिन पूरे देश में जहां भी उनके कार्यक्रम हुए, सदगुरु जी की वासुदेव जी के हमारे पूजनीय संत हैं, प्रेरणा है देश के लिए, वृक्षारोपण के नाम पर उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, लेकिन क्या जिन मंचों पर उन्होंने कार्यक्रम किया पूरे देश में, क्या कोई एक भी मंच नदी के किनारे पर था? क्या कोई एक भी मंच ऐसा था जहाँ पर बिग लेवल पर प्लांटेशन हो गया? क्या कोई एक भी मंच ऐसा था जहाँ पर अवैध खनन माफिया उनके कार्यक्रम के स्पॉन्सर नहीं थे? मेरा निवेदन ये है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता,
तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप आत्मा से काम नहीं करेंगे, इंदौर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, भारत के लिए प्रेरणा बन गया है इंदौर। मैं मतलब हमारी कल्पतरु में वो दो टीमें हैं, मैन विंग में हम लोग आते हैं, वुमेन्स टीम अलग काम करती है, उसमें गर्ल्स काम करती है प्रदेश में। तो हमारी वुमेन्स टीम कल्पतरु की यहाँ की एक लड़की है विनीता, मेरे को एक दिन उसने फोन किया तो बोले थे सर आपका फोन आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मैंने क्या बात, तो ऐसे खुदे क्यों रही है? अरे सर हमें हमारे इंदौर को फर्स्ट लाना है और हम लोग बहुत बिजी हैं आज। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो ऐसा? तो उसने बताया अरे सर हमारा इंदौर फर्स्ट आएगा, बारहवीं ग्यारहवीं पढ़ती होगी शायद, मुझे ध्यान नहीं। तो उसने कहा हमारा इंदौर फर्स्ट आएगा, आज हम करेंगे पूरा, सब लोग कलेक्टर भी उधर लग गया, हम लोग पूरा सब टीम सरकारी टीम के साथ लगे हैं और अब आप देखना इस बार किसी को भी नहीं आने देंगे हम। और वाकई यही हुआ, इंदौर दूसरी बार ही फर्स्ट आ गया। मुझे लगता है अभी जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ, मुझे भी सचिन जी ने बताया कि ये तो नॉर्मल डे है हमारे, जो सफाई आप देख रहे हो ये नॉर्मल डे है। इतनी साफ सफाई देख के मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये आज कोई विशेष प्रोग्राम है क्या? इन्होंने कहा नहीं नॉर्मल डे है, बाकी सफाई ऐसी रहती है। और जिस दिन हमारा सर्वे होता है उस दिन तो वास्तव में ज़्यादा ही होती होगी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस मामले में तो प्रेरणा है, तो इसलिए एक प्रयास चंबल के दशमियों के साथ भी हो, जिन्हें आप हर सांसद को आपने एक आदर्श ग्राम बनाने की बात कही, क्या सांसदों के आदर्श ग्राम बन गए? पूरे देश में आप सर्वे कर लीजिए, मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए, राजस्थान का मुझसे पूछ लीजिएगा, जिन राज्यों में जाता हूँ वहाँ का मुझे पता है। तो आदर्श ग्राम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्क्रीट जंगल, हम नहीं चाहते कोई पत्थर की बिल्डिंग खड़ी हो। आदर्श ग्राम का मतलब पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बने, हम चाहते हैं कि तो कुछ खोने का डर बचा है पीछे, खोने के लिए कुछ नहीं है और ना पाने की कोई लालसा है। कुछ दिन से बहुत करीबियाँ हैं आप लोगों की, इसलिए आप नागाओं की परंपरा समझते हो, तो विष्णु लामा पूरी तरह नागा हो चुका है। कपड़े बड़े परमात्मा की इच्छा नहीं थी इसलिए ये दूसरे रह गए, इसलिए संन्यास आश्रम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा निवेदन ये था कि ना तो सरकार से किसी से डर है और संवैधानिक तरीके से विरोध का जो तरीका जिस लेवल का हो सकता है उस लेवल पर मेरे पुराने दो तीन जो विरोध रहे हैं, मैं भगवान ना करे दोबारा जीवन में ऐसा करने का मुझे मौसर आए, लेकिन वो भी करने का मौका लगा तो किया है। एक बार मौत का भी सामना करना पड़ा तो किया है, और जब माँ बाप परिवार संसार सारी खुशियाँ ही जब छोड़ दी तो फिर किस बात के लिए डरना। एक दूसरी बात, सारे युवा नहीं भटक रहे हैं, भारत का युवा, भारत की तरक्की, भारत की कामयाबी, भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वलमान है, निसंदेह उज्ज्वलमान है। लेकिन जो युवा भटक रहे हैं, अब मैं उस उदाहरण दूंगा तो फिर आप उसको दूसरा रंग दे दो। इसलिए भारत अखंड है, भारत अखंड है, और भारत के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं वो लोग जो है ना वो उदाहरण स्वरूप हो सकते हैं। तो भारत के टुकड़े करने की सोचना भी यहाँ पाप है। इसलिए आप उधर चंद युवाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है, तो वही युवा इस तरह का हो सकता है। तो बाकी तो भारत का युवा भारत की कामयाबी में जुट गया है और इंदौर के लोगों ने दिखा दिया है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में 6 करोड़ फंड लगाए, आप क्योंकि शुरू से फंड लगा रहे हैं, क्या सर्वाइवल मानते हो आप कि कितना प्रतिशत झाड़ जो है नेचुरल वे में बिना इसके खड़े हो पाएंगे? क्योंकि ये भी सारे झाड़ के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं, 6 करोड़ झाड़ों के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं कि अलग से कोई टीम काम करें, कितने प्रतिशत झाड़ जो है इसमें खड़े हो पाएंगे? क्योंकि ये लगभग 6 करोड़ में से कितने झाड़ खड़े हो सकते? मैं किसी की निगाह में अपनी जगह बनाने के लिए अपने हथकंडे तो अपना सकता हूँ, लेकिन सूबे की सियासत मुझे माफ़ नहीं कर सकती है। दीवारों के कान होते हैं और आवाज़ें दीवारों के आसपास गूंजती रहती हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए निसंदेह अभिनंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन परिणाम जब आते हैं उस समय आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जो वृक्षारोपण हुआ उस वृक्षारोपण में हम लोग अपने खर्चे पर चंबल के पूर्व दस्युओं को लेकर के आए और नदी के तट पर गए, वहाँ पर वृक्षारोपण हुआ। उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में यहाँ के एक फिल्म स्टार हमारे कल्पतरु से कई सारे फिल्म स्टार जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ फिल्म स्टारों को हमने बुलाया और वृक्षारोपण भी किया, और जो हमसे योगदान हो सकता था वो योगदान करने का मौका मिला, उसका हमने फ़ायदा उठाया। लेकिन अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में आपको उस दिन हमारा कहाँ कहाँ कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में, जिस दिन आपका रिकॉर्ड बन रहा था। लेकिन रिकॉर्ड बना, कैसा बना, क्या स्थिति रही, वो सब आप लोगों के सामने है, और आप ही की सरकार में कई लोगों ने उनको बाहर भी निकाल के उसको बाहर निकाला और खुद अंदर चले गए, तो इसलिए वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन
मैंने कहा मैं बहुत ही सामान्य आदमी हूँ, सभी के साथ काम करता हूँ मैं, पिछली सरकार हो चाहे आगे की सरकार हो। जब ये विषय आया था, जब ये विषय आया हमने अभी आरटीआई लगाई, पहली आरटीआई उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने दूसरी आरटीआई लगाई है कि आप हमें पौधारोपण का स्थान, पौधे की प्रजाति, ऊंचाई, कहाँ से खरीदा, उसके बिल, टोटल पूरा जो सिस्टम होता है वो पूरा सरकार से मांगा है। बात करेंगे, रिकॉर्ड आने वाला है, उम्मीद है ये लोग इस बार देंगे। एक दूसरा, हम लोग सरकार से डोनेशन फंड प्रोजेक्ट नहीं ले रहे, पुरस्कार के लिए ना आवेदन कभी किया ना भी कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ऊर्जावान युवाओं का प्रदेश है, यहाँ के लोगों में वाकई काम करने की एक मादा है, लेकिन एक व्यक्तिगत अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और उसका जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिले, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हम लोग पूरा एकदम मन लगाकर मध्य प्रदेश के लिए समय देने की मेरी मंशा है, मैं देना चाहता हूं। यहाँ काफी समय रहना हुआ है इसलिए हर शहर शहर में टीमें तैयार हुई है। मेरा सवाल नहीं कमी खड़ा है कि 6 करोड़ में से कितने झाड़ पनप पाएंगे? हमने आरटीआई लगाई है। जो प्रैक्टिकल में प्लांटेशन होता है, प्रैक्टिकल में जो प्लांटेशन होता है वो व्यक्ति जिसको ना कोई पुरस्कार चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कुछ चाहिए, उसको सिर्फ पेड़ लगाने हैं तो मान के चलते हैं कि 85% उसका जीवित रहता है। लेकिन 85% भी अगर जीवित रह जाता है तो उस 85% को पूरे देश में लोग चर्चाओं का विषय मानते हैं कि वो पुराने बाबा ने हमारे यहाँ लगाए थे 5000 पेड़, लगाए 5000 थे, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं अरे साहब लाखों पेड़ लगा दिया, बहुत सारे पेड़ लगाए। क्यों? क्योंकि वास्तव में दिखता है काम, लेकिन ये जो काम हुआ है ये तो आप सब लोगों के सामने है, तो ये जो काम है मैं इस मन से आपको क्लियर कर देता हूँ, राजनीति से न कल ताल्लुक था न आज ताल्लुक है और न कल ताल्लुक होगा। जिस दिन उस अहदे पर चले जाऊँ, उस रास्ते पर चला जाऊँ, आप सब लोग मुझे कुछ भी नाम दे सकते हैं। बाबा ने कैसे रास्ता बनाया ना, तीन बाबा जिनके साथ उसको बचाने के लिए क्या आपने कुछ कदम उठाए हैं? क्योंकि उसको बचाने के लिए आप शहरी युवाओं की सहायता नहीं ले सकते, उसके लिए आपको जो वहाँ के रहने वाले ट्राइबल्स हैं या वहाँ के रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता लेना जरूरी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र खतरे में है, बीड़ खतरे में है, बीड़ समापन की ओर है, बीड़ बहुत बड़ा बेल्ट है, वहाँ की जो वनौषधियाँ हैं वो खत्म हो रही है, वहाँ का बीड़ समापन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं और अवैध खनन बढ़ रहा है, वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, पशु पक्षियों की कई प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, और ऐसे में एक झटके में जल्दी रिजल्ट आने वाला काम अगर कोई कर सकता है तो चंबल के पूर्वदर्शु हैं, वहाँ उन लोगों का काम में लिया जाए और सिर्फ उन लोगों को लिया जाए जो निस्संदेह रूप से निष्कलंक जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों का कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ पर डकैत और दस्यु में फर्क है, जो लोग अवैध खनन में तापता लेता है वो दस्यु नहीं हो सकता, दस्यु जो बेचारिक बना था वो दस्यु हो कह सकते हो, तो वो जो लोग हैं उनका उपयोग लिया जाए, प्लस वो हमने क्योंकि हम उनके साथ काम कर चुके हैं। ये प्रस्ताव आप किसके सामने रखते हैं? हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सामने रखा, इनको कहा मैंने, शिवराज सिंह जी को बोला, शिवराज सिंह जी से मैंने आग्रह किया था जयपुर कार्यक्रम में, उनसे आग्रह किया था, कैलाश जी विजयवर्गीय से मिला था, उनसे आग्रह किया था। आपको लगता है शिवराज जी आपकी बात गंभीरता सुन लेते? उस दिन तो बड़ी प्यार सुन रहे थे, आशीर्वाद भी दिया था, पौधा भी लिया था, कंधे पे हाथ भी रखा, लाड भी किए मेरे। आप लोगों ने मैंने जो सुना है कि 19 लाख पौधे अब तक आप लोग लगा चुके? नहीं, 8.5 लाख लगा चुके, 11 लाख बांट चुके, 13 लाख कोर्ट में बचा चुके, जो तुरंत के आंकड़े भारत सरकार से दिए हैं। कितने पौधे पनप गए? वो सारे पनपे हुए का आंकड़ा है 33.5 लाख ऑथोरेंटिक रिकॉर्ड विदाउट गवर्नमेंट फंड। आप किस तरीके से देखभाल करते हैं कि वो सारे पौधे? देखभाल, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये लोगों को दिमाग में ऐसा लगता है कि लाखों रुपया होगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो जिस तरह से युवाओं में भी एक मैसेज है ना कि मेरे पास साधन नहीं थे इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ऐसा करता होता तो ऐसा कर देता, करोड़पति बाप को लाता नहीं होता नहीं कर लेता। सच ये है कि आपको साधनों की जरूरत नहीं, आपको साधना की जरूरत है, आप सिर्फ साधना पर ध्यान दें, साधनों पर ध्यान ना दें। अभी अब मैं जस्ट आ रहा हूँ राजस्थान के जालौर जिले के गाँव से, उस गाँव में 1.25 लाख पौधे लगाने की योजना अभी बनी है,
कल उसका शुभारंभ हुआ। हम लोग वहाँ जाकर के आए और वहाँ कार्यक्रम में जाने के बाद में, ये कल का कार्यक्रम रायपुरिया से, तो जब जाकर के वहाँ से आए तो वहाँ पर सबसे पहली बात गांव वालों की इच्छा थी, जिनकी इच्छा नहीं थी उनके घर जाकर के हमने राजी कर लिया। जो राजी नहीं थे, मैं उन बच्चों के साथ में वो भोपू लेकर के वो नगाड़ा मजीरा लेकर ढोलकी वोलकी रात को हम लोग निकले, तो 10-11 बजे तक तो हम लोग रामधुनी करते गए, बीच बीच में आवाज लगाते चले गए, जन जागरण किया, सब लोगों को जगाया, सुबह एक बार प्रभात करी और निकाल ली, दो दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा हो गई, उनको उन सब लोगों को बुलाया, बुला के मीटिंग करी, बात करी, सब लोगों को अपने अपने फायदे बताए कि आप फलदार पौधे लगाओगे ये फायदे हैं, आप अपने खरीद के लगाना चाहो तो वहाँ से लाओ, और सरकारी पौधा लगाना चाहो तो 1 रुपये रेट में तो हमारी संस्था को मिल जाएगा सरकार से, और बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं हो तो फिर आप, मैं विधायक साहब से या सांसद महोदय से आग्रह कर लूंगा, वो करवा देंगे। 1.25 लाख पौधे और एक पंचायत में 1.25 लाख पौधे लगेंगे, उनके गड्ढे खोदने की तैयारियां चल रही हैं, मशीन उससे गड्ढे हो रहे हैं, बहुत जल्द गड्ढे हो जाएंगे, और जो तारबंदी है उसकी जगह वहाँ कांटे बहुत है, मतलब एक बहुत बड़ा बेल्ट है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको खाली करना था ऑलरेडी, तो हमने कहा कि लोहे का पैसा लगाने की बजाय आप काट दीजिए, बबूल जो देसी बबूल होता है बुलायती, उसको काट के उसके कांटे करके और टैंकर की व्यवस्था करा दी, सब चीजें थोड़ी थोड़ी किसी न किसी के सहारे, सारे काम सरकार पे छोड़ देंगे तो ये चीजें तो सर 70 साल तो अपन ने गंवा दिए, आगे का भी समय चला जाएगा सर, आने वाली पीढ़ी को हमें बहुत बहुत उम्मीदें हैं, हम अभी तक नल बिजली और सड़क की बात कर रहे हैं 70 साल में भी, तो सर फिर कैसे आगे काम चलेगा, हम तो पूरी दुनिया को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे माफ करेगी, तो इसलिए थोड़ा सा गति बढ़ानी पड़ेगी, और जिस गति से भारत पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बन रहा है उसी गति से, और निस्संदेह रूप से प्रधानमंत्री जी का काम तो सराहनीय है ही, खैर बाकी आपके यहाँ तो ठीक है, खैर पौधे लगेंगे अब सरकार जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट पूरे देश में लागू कर रही है, ये कंक्रीट के जंगल बनाकर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, दूसरा विकास, जिस विकास का दावा केंद्र सरकार कर रही है उसमें देख पर्यावरण पौधे बचते हैं क्या, पर्यावरण के साथ में जिस तरह का न्याय की उम्मीद थी वो न्याय नहीं हुआ है, पर्यावरण स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ चकाचौंध लपलपाती रोशनी, चका बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बस ये साफ सफाई, आत्मा का भोजन नहीं किया सरकार ने, शरीर का भोजन तो कर लिया सरकार ने, रोज रोटी तो खाता हूँ मैं लेकिन स्वाध्याय नहीं करता, इसलिए अंदर क्या चल रहा है वो नहीं हो पाता है, तो सरकार को आत्मा का भोजन करने की आवश्यकता है, हमारा जो आत्मा का भोजन है वो स्वाध्याय है, सरकार की आत्मा का भोजन है कि हम इस प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं, संस्कृति को, प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, ये जो मूल मंत्र है उसको कैसे बचा सकते हैं, वो कार्य महत्वपूर्ण है, वो कार्य जो आप विकास कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन विनाश के और बढ़कर के विनाश विकास करना ये न्याय संगत नहीं है। आपने लाखों पेड़ नेशनल हाईवे के नाम पर काट दिए और पेड़ लगाए नहीं, आप पहले विकल्प लेकर के चलिए कि जहाँ पर पेड़ लगाना है काटना है उस पेड़ को हटाने की आवश्यकता पड़ रही है, जितने पेड़ हटाए जाने वाले हैं उसके 4 गुना पेड़ आप लगाकर पहले साइड में बड़े कर लीजिए, उसके बाद उनको हटा लीजिए। प्लस एक विचार और, मध्य प्रदेश सरकार को हमने बहुत पहले एक प्रार्थना पत्र लिखा था, यहाँ के सेजवार जी जो हैं मिनिस्टर मंत्री जी, उनको लिखा था कि आप एक मशीन मंगवा लीजिए, आपके यहाँ रोज हमारे पास मेल पर शिकायत जाती है, डेली शिकायत जाती है मध्य प्रदेश के किसी जिले से कि ये आज यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं या यहाँ पेड़ काट रहे हैं, हम करें क्या जगह जगह, तो फिर हमने सरकार को लिखा कि आप एक मशीन मंगवाई, मशीन आती है वो पहले गड्ढा करेगी उस पेड़ की साइज का और फिर उस पेड़ को निकाल के लाएगी, उसका गड्ढा फिक्स होता है, वो पेड़ को निकाल के लाएगी तो उसका फिट कर देगी और पानी भर देगी ऊपर, वो पेड़ 99% जीवित रह जाता है, कोई 1% मर जाए तो बात अलग है, ये रेशियो तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि 99% पेड़ जीवित रह जाए, वो पेड़ वो मशीन एक बार महंगी आएगी, बाद में आपका करोड़ों रुपया तो बच रहा है ना, तो ऐसे प्रयोग भी आप कर सकते हैं। प्लस ये तो हमारे पास विकल्प है कि 4 गुना लगा कर बढ़े कीजिए फिर पेड़ काटिए, विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ना, आप देखिए ना कितना प्रतिशत आपका तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, आपको खुद को देख लीजिए बचपन का और अभी का कि क्या क्या कंडीशन है, आपके बचपन में जड़ लगे रहते थे जिस समय की 3-3, 4-4 दिन बारिश रुक नहीं रही है और माँ कहती थी कि वो बाड़े में दीवार में गिर जाए कच्ची, वो जो दृश्य था वो दृश्य क्रिएट नहीं हो सकता। आज मैं कलम लगाता हूँ, मैं ग्राफ्टिंग का मुझे शौक है, हालांकि मैं विरोधी हूँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, मैं मुझे शौक है, मैं कभी कभी कुछ छोटा मोटा प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी आम के ऊपर कुछ नींबू चढ़ाऊंगा आम खट्टा हो जाएगा क्या, फिर मन करता है कि नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर मैं उस प्रयोग को करके खत्म कर देता हूँ, तो ये मैंने बहुत प्रयोग किए, तो कलम नहीं हो पाती कई दिनों तक, क्योंकि माहौल अगर मैं माहौल में नमी रहती है तो हो जाती है। श्री कल्पतरु संस्थान देश के 22 राज्यों में अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहा है, मध्य प्रदेश से लंबे समय जुड़ा हो रहा है, गहरा लगाव रहा है, और
आपके क्षेत्र से तो विशेष लगाव मेरा ही क्या पूरे देश का हो गया जब से आपने स्वच्छता को लेकर के अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हरित मध्य प्रदेश, हर्षित मध्य प्रदेश इस अभियान के साथ में वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बन सके और उस अभियान को लेकर के अभी आया हूँ। अभी यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होने हैं वृक्षारोपण और कई सारी संस्थाओं के साथ में कई सारे पर्यावरण सभाएँ होनी हैं, उज्जैन में, छत्तरगढ़, विदिशा, कई जगह भी जाना है। तो ऐसे कार्यक्रम हैं और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के यात्रा रही है। मध्य प्रदेश में आपको क्या स्थिति लगती है, क्योंकि लगातार पर्यावरण बचाने के लिए कई नारे दिए जाते हैं, कई बार वृक्षारोपण किया जाता है, टारगेट कर लेती है गवर्नमेंट कितना करेंगे, 6 करोड़ तक का जो है जरूर दावे पेश किए गए, मौजूदा दौर में आपको क्या मध्य प्रदेश की स्थिति लगती है? हर विश्व पर्यावरण दिवस, हर पृथ्वी दिवस पर सरकारी जो झूठे संकल्प लिए जाते हैं वो झूठे संकल्प पर्यावरण की रक्षा की गारंटी नहीं हो सकते। पर्यावरण 24 घंटे की मानसिकता का विषय है, 24 घंटे की चिंता का विषय है। जब तक हम 24 घंटे प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की चिंता नहीं करेंगे, कोई भी सरकार बिना जन सहभागिता के अपने परिणाम अच्छे नहीं दे सकती है। सर, जिन लोगों ने चिंता की उन्हें मंत्री बना दिया गया मध्य प्रदेश में, आपको अगर ऑफर आया तो क्या करेंगे? मेरा राजनीति क्षेत्र का मैं आदमी नहीं हूँ, इसलिए पर्यावरण की बात करेंगे। वो भी राजनीतिक क्षेत्र के आदमी नहीं थे जो मंत्री बने। अब ये तो वक्त ही बताएगा, फल फिलहाल तो परमात्मा से ही प्रार्थना है। सुबह उठता हूँ तो यही कहता हूँ कि परमात्मा मृत्यु देना, लेकिन ऐसी राजनीति मत भेजना जहाँ पर देश और दुनिया का युवा कहीं भी सीखने की स्थिति में ना रहे, हर तरफ सिर्फ एक राजनीति, आज की वर्तमान दौर की राजनीति गाली बन के रह जाए, तो ऐसी राजनीति में मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। निसंदेह रूप से जो संकेत जो भी संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। सलमान खान के खिलाफ कर सकते हैं, निर्लाप को नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश किया, पहले भी किया, बहुतों के साथ किया। हरियाली दिखी आपको? मतलब हरियाली दिखेगी अब मध्य प्रदेश में, मुझे लग रहा है हरियाली दिखेगी अब। इंदौर तो क्लीन होने के बाद ग्रीन इंदौर की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, इंदौर क्लीन हो गया, उसके लिए इंदौर को बधाई, मेरा सलाम पूरे इंदौर को, इंदौर वासियों को। आपने पूरी देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का काम किया है, लेकिन आप ग्रीनरी के लिए भी आगे बढ़ जाइए और मैं मजदूरी करना चाहता हूँ निःशुल्क इंदौर की, इसका मुझे मौका मिले। आपकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ महीनों बाद चुनाव के सरगर्मी होने वाली है। नहीं, तो क्या आप किसी दल को समर्थन देंगे? नहीं नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं हूँ। ये चुनावी यात्रा तो नहीं? मैं किसी दलदल में नहीं हूँ, मैं तो बस केवल अपने पर्यावरण के काम में लगा हूँ और भगवान करे इसी में लगा रहा हूँ। कांग्रेस आपका सपोर्ट करे पर्यावरण में? नहीं, मेरे सबसे स्नेह बढ़िया हैं, इनके साथ ही वृक्षारोपण का मौका मिला, पहले जो थे उनके साथ ही मौका मिला, तो ऐसा कोई विशेष। आपने कहा कि वृक्षारोपण में जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनको आगे सिंचाई करनी पड़ती है, उनको आगे ध्यान रखना पड़ता है, उन क्षेत्रों में क्या जहाँ पर कोई जाता नहीं है, जहाँ पर वृक्ष बस लगा करके वापस आ जाते हैं, साल भर उनको किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है जहाँ टैंकर भी नहीं पहुँचता? जो वृक्ष प्रकृति पर निर्भर है, जिनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वहाँ की अनुकूलता के आधार पर जो वृक्ष अपने आप उगते हैं, पनप जाते हैं, ऐसी प्रजातियों के बीज हमने कई जगह फेंकवाए हैं और इस बार हम कई प्रयोग करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी बाहर से बीज मंगवाया भी है कई प्रकार की, जैसे राजस्थान में कैंट होता था, गूगल होता था, अब पहाड़ में मैं कहाँ पेड़ पानी डालने जाऊँगा, लेकिन गूगल डाल दूंगा, कैंट डाल दूंगा, धोकड़ा डाल दूंगा, आंकड़ा डाल दूंगा, बहेड़ा डाल दूंगा, रोहेड़ा डाल दूंगा, खेजड़ा डाल दूंगा। आपके इधर तो जैतून, सैतूत, अंजीर, अखरोट, बादाम, खजूर, नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, सेब, नाशपाती, चेरी, खुबानी, इस प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन वो शहरी हो सकते हैं, पेड़ लगाने पानी डालने वाले हो सकते हैं, वहाँ की अनुकूलता के आधार पर जो मैंने बताए वैसे पेड़ लगाए जाए ज़्यादा ठीक है, जो बिना पानी के और कम पानी के चल सकते हैं। एक बार लगा दिया पहला पत्ता निकल गया, उसके बाद पेड़ अपने आप को देखकर बना लेता है। इसके लिए क्या आपको लगता है वन विभाग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है? जो वन विभाग की सबसे ज्यादा भूमिका है, लेकिन वन विभाग अगर काम करते शुरू से अब तक तो भारत के वन खत्म नहीं हुए। वन विभागों ने काम नहीं किया, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। जो थोड़े बहुत काम उन्होंने किया है वो दिख रहा है। वन विभाग के वन कर्मियों ने 14 दिन तक स्ट्राइक करी थी, जिसके चलते बहुत सारे प्राणियों की जंगलों में मौत हुई, उसको लेकर इस तरह की स्ट्राइक। जिन वन्य जीवों की मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं भगवान, उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप कहते हैं कि बिहार के जंगल जाते जा रहे हैं, दस्यु जो है, और अगर कहें तो कठिन की परिभाषा उनको दी गई है, क्या वे लोग भी जंगल के संरक्षण को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? आप सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लंबा समय वो जंगल के करीब रहे हैं, माँ बाप, घर परिवार कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे और जंगल के पशु पक्षी और वो बीहड़ के सन्नाटे, वही उनकी जिंदगी रहे हैं।
उनसे उनका दिली लगाव है, बीहड़ को बीहड़ ना कहकर यहाँ के लोग बीहड़ माए बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो जिस मिट्टी को माँ कहते हैं उस मिट्टी से उनकी लगाव का जो गहरा रिश्ता है उसकी गहराई हम नहीं नाप सकते। उसको एक आवश्यकता है कि उन लोगों की ताकत का सदुपयोग किया जाए और आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दिया जाए। वो लोगों ने जयपुर में हमारे कलेक्टरों के सम्मेलन में इकट्ठे होकर हमने किया था, पहले बचाया बीहड़ अब बचाएंगे बीहड़। उस समारोह में उन्होंने कहा था, पंचम सिंह जैसे आदमी ने 550 दशकों के सरदार ने कहा, गब्बर सिंह ने, आपके मलखान सिंह ने, सब लोगों ने कहा कि ये जो अन्याय का रास्ता है, बंदूक का रास्ता है, ये रास्ता ठीक नहीं है। आखिर में व्यक्ति को सही रास्ते पर आना पड़ता है। न्याय का रास्ता, कानून का रास्ता ही ठीक है। युवा जो भटक रहा है उनके लिए अच्छा संदेश था। और ये पेड़ बचाने के लिए अवैध खनन के खिलाफ, वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ बहुत अच्छा एक कीर्तिमान कायम कर सकते हैं लोग। मेरी तो गुजारिश है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और शिवराज सिंह जी से, दोनों आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति हैं मेरे लिए, तो वो इस दिशा में आगे बढ़े और कुछ करें। आपने अभी कहा कि सलमान खान का विरोध किया, सीएम का विरोध भी कर सकता हूँ, कैटरीना यदि आपके साथ आ जाए और पर्यावरण जो है उसको आगे बढ़ाना चाहे तो क्या दिखाई दी? आई कैटरीना के साथ आई, उनके साथ पेड़ लगाए, लगभग 250 फिल्म स्टार आए, उनके साथ वृक्षारोपण का कार्य करने का मौका मिला, जिन्होंने पेड़ लगाए उनके साथ पेड़ लगाए, निस्संदेह रूप से लगाए। और ये सारा कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कहाँ कहाँ किस किस तारीख को क्या हुआ मेरा सब कुछ ऑनलाइन है। और वो जो विरोध था वो विरोध निस्संदेह रूप से हमारा एक अधिकार था, उस अधिकार का हमने पालन किया और माननीय न्यायालय का जो फैसला था वो सबको स्वीकार हुआ। शहरी बाजार के बीच में पले पड़े एक बच्चा है कोई या एक व्यक्ति है जिसने आज तक कभी जंगल देखा नहीं, वो कैसे हेल्प कर सकता है? आपके घर में दूध लाते हो रोजाना, उसकी पॉलिथीन आती है, फल लाते हो, फल खाते हो, फल के बीज डस्टबिन में डाल के फेंक देते हो, बीजों को बचा के रखिए, पॉलिथीन में मिट्टी भरी अपने घर के किसी कोने में लगाइए, उसमें बीज डाल दीजिए, पौधा बन जाएगा। जिस दिन उसके उस बच्चे के फ्रेंड का जन्मदिन है उस दिन उसको कहिए कि केक काटने की बजाय, गिफ्ट ले जाने की बजाय इस पौधे को ले जाकर उसे ले जाओ, घर नहीं है तो गमले में लगाओ, छोटा पौधा उगाओ, भागो मत भागो दुनिया। को लेकर के प्रयास रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जाएं और वृक्षारोपण और हरियाली को लेकर के और सरकार के कार्यों को समझ कर और होने वाले कामों को लेकर के और प्रदेश के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक ये बात पूरे मन से पहुंचाया जाए और परिणाम दिए जाए। पहला पौधा मैंने अपनी माँ के साथ 7 साल की उम्र में लगाया था और उसके बाद में ये सब चीज़ें चलती रहीं और आज ये रिपोर्ट बना है। विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रही पूरे विश्व को ये चिंता करनी चाहिए, पूरे मन से करनी चाहिए, एसी में बैठ करके और एनवायरनमेंट की बातें नहीं करनी चाहिए। मोटी मोटी किताबें पढ़ करके पर्यावरण बचाना आसान नहीं है, तो गांव का देसी आदमी भी हमारा बता सकता है पर पेड़ पौधे पशु पक्षी क्या हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी आगे आए, जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तथा कथित बड़े तथा कथित पदवान लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर यही लोग काम करते तो आज देश का आश्रय नहीं होता जो हो रहा है, जहाँ बरसात के लिए हम तरस रहे हैं, नदियाँ सूखी पड़ी है, हर तरफ सूखा पड़ा है। ऐसी स्थितियों में हमें चाहिए कि हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में आगे आ जाएं और अपने जीवन में 5 पेड़ कम से कम हर व्यक्ति को लगा करके अपनी ये कर चुकाना चाहिए। मुझे लगता है जिसने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाया उसको चिताबे जलने का अधिकार भी नहीं, उसको चिताबे जलाना नहीं चाहिए। एक अभियान आपका बहुत चर्चाओं में था, आपने कहा था कि बीहड़ के जंगलों को बचाना है तो दस्यु गिरोह की मदद भी लेना पड़ेगी, डकैतों की मदद भी लेना पड़ेगी, किस तरह की मुहिम थी और क्या आपको लग रहा है कि ये कारगर? अभी वो लोग डकैत नहीं हैं, पूर्व दस्यु रहे हैं, संवैधानिक तरीके से वो गलत थे तो उनको सज़ा मिली, सरेंडर किया, जेल गए, सज़ा काटी, वापस आए और अब जो है उनको चाहिए कि उनकी ताकत का सदुपयोग हो। तो किस तरीके से वो जंगल बचाने में जिम्मेदार? उसकी पूरी योजना हमने बनाई है, केंद्र सरकार को नहीं किया, कुछ नहीं होता है। सरकार की बात करें, सरकार की बात, क्योंकि देखिए अगर नियम कानून कठोर होंगे तो निश्चित रूप से पालन होगा, किसी की मदद मकान पेड़ कटेंगे, पानी तालाब होकर मकान बन जाते, पेड़ कट के मकान बन जाते, कहाँ रुकेंगे, क्या सरकार की आपको क्या करना चाहेंगे? विकास के नाम पर ये सब लोग विनाश की ओर जो बढ़ रहे हैं ये निस्संदेह रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बड़ी गंभीरता से इन लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी किसके सहारे चलेगी। आदमी की आयु कम से कम होती जा रही है, उसका कारण शुद्धता नहीं है, मानसिक भी, सांस्कृतिक भी, शारीरिक भी, बौद्धिक भी, सब प्रकार से हम लोग अशुद्ध होते जा रहे हैं।
सरकारों के जो अभियान हैं अगर वाकई वही अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते सफलतम परिणाम देते हैं तो आज ये दशा देश और दुनिया में हमारे स्टेट की नहीं होती। आपके यहाँ पर सरकारों को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जो वाकई कारगर हो? सरकारों को अंतिम से अंतिम तक आत्मीयता के साथ में जुड़ाव बनाए रख करके जन सहभागिता को जब तक वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जन सहभागिता के अभाव में हर आयोजन आता है और केवल कैमरे पर डिजिटल इंडिया की तरह आकर के और टीवी तक सीमित रह जाता है। वो लोगों को पता चलना चाहिए सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो सब्सिडी है योजनाएं हैं वो उनको पता चले, ताकि उनको पता भी चले कि भाई मेरे खेत में इतने हज़ार आम लगाऊंगा तो ये फ़ायदा है या फलाने फ्रूट लगाऊंगा तो ये फ़ायदा है, तो पर्यावरण दृष्टि से फ़ायदा होगा और उसकी फसल में भी इजाफा होगा, 2 पैसे की उसकी इनकम भी होगी तो आसानी से काम करेगा। गाँव के जो लोग हैं एक एक पौधे के लिए तरसते हुए मैंने देखे हैं उसी गाँव में, जिस गाँव में बड़े बड़े मंत्री मंचों पर बड़े बड़े भाषण और योजनाओं के दावे करते रहते हैं।